वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड विश यू मैरी क्रिसमस। सो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम आज बनाने जा रहे हैं सेंटा क्लॉज, और वो बनाने के लिए हम ये ब्रश यूज़ करेंगे। हम ब्रश पे सेंटा क्लॉज बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर सेंटा। सो अब हम हमारे ब्रश को वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर लेंगे। ये ब्रश काफ़ी पुरानी है और मेरे घर में ऐसे ही पड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे यूज़ करके कुछ अमेजिंग बनाऊँ। और मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर के दो कोट्स दिए हैं, एंड दो कोट्स के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे ब्रश का ये लुक है। ब्रश के ब्रिसल्स थोड़े से कड़े हुए हैं, बट स्टिल नो वरीज, हम हमारे सांता क्लॉज बना लेंगे इसमें। सो मैं यहाँ पे पीच कलर का यूज़ करके सांता का फेस बनाऊँगी। ट्रस्ट मी गाइस, ये जब बन जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगेगा। एंड हमारा पीच का दो लेयरिंग के बाद अब हम रेड कलर में आ जाएंगे, और हम रेड कलर की फिर से दो लेयरिंग देंगे, एंड ये कहीं ना कहीं हमारे सांता का हैट बन जाएगा। सो आफ्टर कलरिंग ये हमारा फाइनल लुक है, और अब हम डिटेलिंग सेक्शन में चलते हैं। और मैं यहाँ पे अपने सांता की आईज़ बना रही हूँ, एंड धीरे धीरे इसमें लुक आना शुरू हो गया है। एंड मैं यहाँ पे आईब्रोज बना रही हूँ वाइट कलर से, बियर्ड्स एंड मुस्टाच बना रही हूँ मेरे सांता का। एंड मुझे तो ये अभी से इतने क्यूट से लगने लग गए हैं। मैं ब्रश के ब्रिसल्स में जहाँ डार्क शेड्स था वहाँ पे भी हल्का वाइट शेड्स दे दूँगी, सो दैट वो एक बियर्ड लुक देगा सांता का। मैं कैप पे वाइट डॉट्स दूँगी, एंड अब मैं पिंक कलर से मेरे सांता का नोज़ बना दूँगी। And look how beautiful my Santu Baba is looking! Yay, Santu Baba! So guys, moving to the next DIY. रुको। यार तुम फिर आ गई? जी हाँ, मेरा एक question है, इसीलिए मैं वापस आई हूँ। क्या question है तुम्हारा? Before that guys, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं पता कि ये कौन है, तो उसके लिए आप मेरी jeans वाली video देखें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सब्सक्राइबर इतने धीरे धीरे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि शायद हमारे व्यूवर्स इसे शेयर नहीं कर रहे हैं। सो गाइस, प्लीज शेयर आवर वीडियोस, प्लीज गाइस, शेयर इट इन योर ग्रुप्स, इन योर सर्कल, जितना आप शेयर कर सको। इतने परसेंट लोग हमारे नॉन सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं, और ये नंबर हमने उल्टे फुलटे नहीं किए हैं, 6336। गाइज, हम कितनी मेहनत करते हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ गाइज, सब्सक्राइब करो, सो दैट जब हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमने नई वीडियो अपलोड की है। एंड जो नेक्स्ट DIY हम बनाने जा रहे हैं, उसके बाद तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमिंग टू द सेकेंड DIY, अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिसमस DIY में मैं ये भिंडी लेडी फिंगर कहाँ से लेके आ गई। सो मैं आपको बता दूँ कि अब हम सांता ये लेडी फिंगर पे ही बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, हम कैसे बनाने वाले हैं। सो फॉर दिस मैं अपने एक्रेलिक पेंट से, ओ माई गॉड, मुझे इसे खोलने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा, और लास्ट में मैंने खोल लिया। मैं एक्रेलिक कलर का एक कोट दे दूंगी, और हाँ, मैं ये ढक्कन से ही ले लेके कलर करूंगी, क्योंकि मेरे ढक्कन में काफ़ी कलर था और मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाह रही थी।
आफ्टर टू कोट्स ऑफ वाइट एक्रेलिक पेंट मेरी भिंडी का ये लुक हो गया है। एंड मैं इसमें क्रीम कलर, एज यू कैन से पीच कलर से ये फेस का लुक दे लूँगी यहाँ पे। सो मूविंग ऑन, मैं रेड कलर से अपने पूरे सांता क्लॉस को कलर कर लूँगी। एंड मुझे लगता है कि ये शायद एकदम नया आइडिया है जो मैंने लेके आई हूँ मैं, और शायद किसी ने ट्राई नहीं किया है। अगर ट्राई किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरी ये आइडिया देख के आप ट्राई करें तो मेरे संग मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर शेयर करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब मैं डिटेलिंग सेक्शन में जा रही हूँ और छोटी छोटी डिटेलिंग्स दे के मेरे सांता क्लॉस को और अमेजिंग सा लुक दे रही हूँ। सो गाइस, ये जो दो DIY मैंने बनाए हैं, इन DIY को आप रिक्रिएट करके अपने क्रिसमस ट्री पे डेकोरेट कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी दे विल बी लुकिंग वेरी अमेजिंग। अब आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी डिटेलिंग्स जो मैंने दी है उसकी वजह से ये लेडी फिंगल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग गाइस, मुझे तो प्यार हो गया इससे। सो यू कैन सी द फाइनल लुक। सो गाइस, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट डाउन योर व्यूज, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड कीप लविंग।